एक सिनेमा हॉल में जो हमें एक्सपीरियंस मिलता है वो एक्सपीरियंस हमें घर में नहीं मिलता। उसके लिए हम अपने घर में एक बड़ी स्क्रीन का टीवी तो लगा लेते हैं, लेकिन ऑडियो की कमी हमेशा रह जाती है। उसके लिए हमें चाहिए होती है एक अच्छी साउंड बार। तो आपको डॉल्बी डिजिटल चाहिए या फिर डॉल्बी एटमोस साउंड बार चाहिए, सराउंड चैनल्स के साथ चाहिए या विदाउट सराउंड चैनल्स के साथ? और सबसे बड़ा क्वेश्चन, कौन से ब्रांड की कौन सी साउंड बार बेस्ट है? अगर आपके मन में यही सवाल है तो आपके सारे सवालों का जवाब आपको आज के इस वीडियो में जरूर मिलेगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल VM1। मेरा नाम है विनीत और आज मैं आपको बताऊंगा बेस्ट साउंड बार्स ऑफ 2021 फ्रॉम 20,000 रुपीज टू 35,000 रुपीज। दोस्तों, पिछले वीडियो की तरह ये वीडियो भी बिल्कुल अलग होने वाला है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बजट साउंड बार्स के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो उसका लिंक यहां आ जाएगा, आप उसे क्लिक करके देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर भी मैं आपको हर रेंज में एक ऑप्शन दूंगा और साथ में एक ऑल्टरनेट ऑप्शन दूंगा, क्योंकि अगर आपको पहला प्रोडक्ट ना मिले तो आप उसका ऑल्टरनेट प्रोडक्ट खरीद पाए अपने बजट के अंदर। और हाँ दोस्तों, इन सभी साउंड बार्स के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें पहले बताना चाहता हूं जिनको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले वो पॉइंट्स, सबसे पहले बात करते हैं पर्पस ऑफ द साउंड बार। अगर आपका पर्पस सिर्फ अपने टीवी के वॉल्यूम को थोड़ा सा एनहेंस करने का है, डो नॉट स्पेंड दिस मच। आप एक बजट साउंड बार लीजिए और मेरा बजट साउंड बार का वीडियो देखिए, उसमें आपको बेस्ट ऑप्शंस मिलेंगी। इन ऑप्शंस के अंदर आप सिर्फ अपने पैसे को ज्यादा स्पेंड करेंगे। दोस्तों, पॉइंट नंबर टू, वॉटेज। आप इस वीडियो में देखेंगे कि मैं कम वॉट वाली साउंड बार को हायर रेट करूंगा और ज्यादा वॉट वाली साउंड बार को लोअर रेट करूंगा। ये मैं करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ ऑडियो नोट्स, नोट्स के कंप्रेशन और ऑडियो सिग्नेचर के बेसिस पे, एंड ऑफ कोर्स क्लैरिटी। इन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए आपको एक साउंड बार खरीदते समय, ना कि टोटल आउटपुट को। पॉइंट नंबर थ्री, सराउंड साउंड। आपकी अगर रिक्वायरमेंट सराउंड साउंड की है तो आपको एक साउंड बार विद सराउंड चैनल्स लेनी चाहिए। आपको सिर्फ एक 2.1 साउंड बार सराउंड साउंड नहीं दे सकती, दैट इज ओनली अ वर्चुअल सराउंड साउंड। सराउंड चैनल्स की प्लेसमेंट आपको अपने ईयर लेवल के ऊपर करनी चाहिए। और अगर आप ऐसी साउंड बार नहीं ले सकते, देन गो फॉर अ 2.1 साउंड बार, बट स्टॉप एक्सपेक्टिंग सराउंड साउंड फ्रॉम अ साउंड बार। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी के अंदर सारे लोग हमेशा धोखा खाते हैं। अगर आपकी टीवी के अंदर HDMI, ARC पोर्ट या फिर ऑप्टिकल इनपुट नहीं है, देन प्लीज डू नॉट बाय एनी ऑफ दीज साउंड बार्स। ये साउंड बार्स आपके टीवी के लिए गलत हैं, क्योंकि अगर आप इन साउंड बार्स को ऑक्स इनपुट से अपने टीवी के साथ कनेक्ट करेंगे तो आपको ना तो डॉल्बी डिजिटल मिलेगा और ना ही कोई अच्छा ऑडियो कोडेक, आपको सिर्फ स्टीरियो ऑडियो मिलेगी। इसके लिए आपको सिर्फ ये करना चाहिए कि मेरा बजट साउंड बार वाला वीडियो देखिए और उसमें से कोई बजट साउंड बार लीजिए, क्योंकि वही ऑडियो आपको हायर वॉल्यूम में इन साउंड बार्स में मिलेगी, उससे बेटर कुछ नहीं होगा। तो अब शुरू करते हैं अपने बेस्ट साउंड बार्स 2021 के वीडियो को, और उसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं बेस्ट साउंड बार अंडर 20,000 अकॉर्डिंग टू मी इज सोनी HT RT3। ये एक कमाल की साउंड बार है जो कि बहुत ही शानदार ऑडियो प्रोड्यूस करती है और मैंने ये बहुत लोगों को रेकमेंड करी है। इस साउंड बार के अंदर आपको एक साउंड बार, दो सराउंड चैनल्स और एक पैसिव सबवूफर मिलेगा। साउंड बार का टोटल आउटपुट है 300 वॉट्स और इसके अंदर आपको 65 वॉट ईच सराउंड चैनल्स भी मिलते हैं और 170 वॉट का सबवूफर मिलता है। टोटल आउटपुट बनता है 600 वॉट्स का। इसमें आपको 1.5 इंच और 2.5 ओम्स के फुल रेंज स्पीकर्स मिलते हैं एंड दे आर ऑसम। इसमें आपको 2.5 इंच और 2.5 ओम्स के सराउंड चैनल्स भी मिलते हैं एंड दे प्रोड्यूस गुड नोट्स, लेकिन आप उससे मिड नोट्स की एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा। दे आर सराउंड चैनल्स, नॉट सेंटर चैनल्स। इसमें आपको 6.25 इंच और 4 ओम्स का एक सबवूफर भी मिलता है और ये साउंड बार आती है डॉल्बी डिजिटल सपोर्ट के साथ। ये साउंड बार 35 इंचेस वाइड है और 2.1 केजीज वे करती है। इस साउंड बार के अंदर आपको HDMI, ARC, ऑप्टिकल इनपुट, USB, ब्लूटूथ और NFC सपोर्ट भी देखने को मिलेगी इन कनेक्टिविटी ऑप्शंस। ये साउंड बार बहुत ही शानदार साउंड करती है। यू कैन से मोर टुवर्ड्स बैलेंस्ड ऑडियो,
मैं बैलेंस मोर टूवर्ड्स इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें प्रॉपर बैलेंस ऑडियो आपको नहीं मिलता। इट इज स्लाइटली हैवी बेस और आपको बहुत अच्छी पंची बेस वाली फीलिंग आएगी, लेकिन क्या बहुत हैवी बेस है? बहुत हैवी नहीं है। अगर आपको बहुत हैवी बेस चाहिए देन दिस इज नॉट द साउंड बार फॉर यू। आप इसे लीजिए अगर आप थोड़ा सा बेस पसंद करते हैं बट यू लाइक गुड क्वालिटी ऑडियो फ्रॉम योर साउंड बार्स। और हाँ, इसके अंदर आपको सराउंड साउंड बहुत अच्छी मिलेगी, बट प्रॉपर होम थिएटर वाली फीलिंग नहीं आ सकती। एक होम थिएटर का मुकाबला कोई भी साउंड बार नहीं कर सकती। आप इस साउंड बार को खरीद पाएंगे 20,000 रुपीज में, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब इस साउंड बार के प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं। प्रोज मैंने बहुत सारे बता दिए, कॉन्स भी आपको बताता हूं। इस साउंड बार के अंदर जो कि 20,000 रुपीज की है, आपको कोई भी HDMI इन पोर्ट नहीं मिलता। दैट इज अ बिग कॉन फॉर मी। और इसके अंदर आपको 4K पास थ्रू भी नहीं मिलता क्योंकि HDMI इन पोर्ट भी नहीं है। एंड दिस इज अ डिसअपॉइंटमेंट क्योंकि सोनी इतनी अच्छी साउंड बार के अंदर एक HDMI इन पोर्ट भी दे देता तो शायद ये अनबीटेबल कॉम्बिनेशन बन जाता इस प्राइस रेंज और इससे थोड़े से ऊपर प्राइस रेंज वाली साउंड बार्स के अंदर भी। बट इफ यू डोंट नीड अ सराउंड चैनल्स इन योर साउंड बार तो फिर आप कौन सी साउंड बार खरीदें? तब आती है हमारी ऑल्टरनेट ऑप्शन जो कि सोनी की ही HDS 350 साउंड बार। ये साउंड बार भी आपको अप्रॉक्सीमेटली 20,000 रुपीज ही कॉस्ट करेगी और बिना सराउंड चैनल्स के लिए ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। लेकिन आपको एक और ऑप्शन देता हूं, अगर आपका बजट सिर्फ 2,000 या 3,000 रुपीज ज्यादा है तो आप सोनी HDRT 3 की ही एक बड़ी बहन, आप सोनी HDRT 40 ले लीजिए। उसके अंदर आपको सराउंड चैनल्स जो हैं वो टॉल बॉय शेप में मिलेंगे एंड द साउंड बार इज एब्सोल्यूटली आइडेंटिकल टू RT 3 एंड दैट इज ऑसम। बहुत ही शानदार साउंड बार है। साउंड बिल्कुल वही करती है जैसे RT 3 करती है, लेकिन सराउंड चैनल की शेप टॉल बॉय स्पीकर्स के रूप में दी गई है जो बहुत ही प्रीमियम लगते हैं आपके ड्राइंग रूम या लिविंग रूम में। क्योंकि ये इतनी पॉपुलर कैटेगरी है तो मैं आपको इसके अंदर दो ऑप्शंस और देता हूं। मैं बात कर रहा हूं बेस्ट साउंड बार्स 2021 इन 20,000 रुपीज प्राइस सेगमेंट। और इस प्राइस सेगमेंट के अंदर आपको एक और ऑप्शन मिलती है, वो है पोल्क ऑडियो की सिग्ना S2। ये भी एक बहुत ही शानदार साउंड बार है और इसका ऑडियो सिग्नेचर बिल्कुल डिफरेंट है सोनी की साउंड बार से। इस साउंड बार के अंदर आपको स्पीकर्स, ट्वीटर्स और एक वायरलेस एक्टिव सबवूफर मिलेगा। इस साउंड बार के अंदर आपको 40 वॉट के दो स्पीकर्स मिलते हैं और 40 वॉट की ही साउंड बार, टोटल आउटपुट बनता है 120 वॉट का। ये साउंड बार आती है 1.25 इंच इंटू 4.45 इंच के ओवल शेप फुल रेंज ड्राइवर्स के साथ और इसके अंदर आपको 1 इंच के ट्वीटर्स भी मिलते हैं। और इस साउंड बार का सबवूफर 5.25 इंच का है और इस साउंड बार का SNR है 95 डेसिबल एंड दैट इज वेरी इंप्रेसिव, 95 डेसिबल्स। ये साउंड बार 35 इंचेस वाइड है और वे करती है 1.8 केजीज। इस साउंड बार के अंदर आपको HDMI ARC, ऑप्टिकल इनपुट, ऑक्स और ब्लूटूथ 4.0 की ऑप्शन मिलेगी। जैसे मैंने बताया कि इस साउंड बार का ऑडियो सिग्नेचर सोनी की सभी साउंड बार से बिल्कुल डिफरेंट है एंड दैट एग्जैक्टली मींस कि आपको ना ज्यादा लो नोट्स मिलेंगे ना ज्यादा हाई नोट्स, और मिड नोट्स भी बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड हैं। यानी आपको सारी ऑडियो बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड मिलेगी। लेकिन अब बात करते हैं इस 20,000 रुपीज कॉस्ट करने वाली साउंड बार के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। इसके प्रोज तो मैंने आपको बहुत सारे बता दिए, एक कॉन है। अगर आप रात को बैठ के कोई मूवी देख रहे हैं जहां आपको डायलॉग्स को सिर्फ एनहांस करना है और म्यूजिक थोड़ा सा कम करना है, ऐसा कोई फीचर इस साउंड बार में आपको देखने को नहीं मिलता। इसे कहते हैं डायलॉग एनहांसमेंट टेक्नोलॉजी या डायलॉग एनहांसर। वो टेक्नोलॉजी पोल्क ऑडियो की बाकी साउंड बार्स में है लेकिन सिग्ना S2 के अंदर नहीं है एंड दैट इज अ स्मॉल कॉन। लेकिन अगर मैं उसको थोड़ा सा लेट गो कर दूं और निटपिक ना करूं देन दिस इज अ वंडरफुल ऑप्शन। लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप उसे चेक करिए। अब बात करते हैं पोल्क सिग्ना S2 की अल्टरनेट ऑप्शन की। और बहुत सारे लोगों की ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि उन्हें एक्सटर्नल सबवूफर नहीं चाहिए और ऐसे लोगों के लिए वन ऑफ द बेस्ट साउंड बार्स इज यामाहा की YAS 109 साउंड बार। इसके अंदर आपको सिर्फ साउंड बार मिलती है
विद बिल्ट इन सबवूफर, और एक ऑप्शन भी मिलती है कि आप अलग से एक सबवूफर इसके अंदर अटैच कर सकते हैं, एंड दैट इज अ वंडरफुल थिंग, क्योंकि आज हो सकता है कि आपकी जरूरत नहीं है एक एक्सटर्नल सबवूफर की, लेकिन कल को हो। आप एक्सटर्नल सबवूफर यामाहा से भी खरीद सकते हैं या कहीं और से खरीद सकते हैं, और इस साउंड बार के साथ अटैच करके इसे 2.1 साउंड बार बना सकते हैं। दिस साउंड बार हैज अ वेरी गुड ऑडियो सिग्नेचर और आप इसे खरीद पाएंगे 20,000 रुपीज का अप्रॉक्सीमेटली। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसे चेक करिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्राइस कैटेगरी, अब हम बात करेंगे बेस्ट साउंड बार्स 2021 फ्रॉम 25,000 रुपीज टू 30,000 रुपीज, और इस कैटेगरी के अंदर मेरे हिसाब से बेस्ट साउंड बार है पोल्क ऑडियो की मैग्नीफाई मिनी। ये एक बहुत ही शानदार साउंड बार है और आप इसके साइज पे मत जाइए, दिस साउंड्स एक्सट्रीमली गुड और बहुत ही ज्यादा लाउड भी साउंड करती है। इस साउंड बार के अंदर आपको 4 स्पीकर्स, 2 ट्वीटर्स और एक एक्टिव वायरलेस सबवूफर भी मिलेगा। इस साउंड बार के अंदर आपको 150 वॉट के स्पीकर्स मिलते हैं और ट्वीटर्स मिलते हैं, और 150 वॉट का सबवूफर मिलता है, और टोटल आउटपुट इस साउंड बार का है 300 वॉट। बट आप इस 300 वॉट के कम आउटपुट पे मत जाइए, दिस साउंड बार साउंड्स अमेजिंगली गुड। इसमें आपको 2.5 इंच के फुल रेंज ट्वीटर ड्राइवर्स मिलते हैं और 4 2.25 इंच के मिड रेंज ड्राइवर्स मिलते हैं, और 6.5 इंच का सबवूफर मिलता है विद 95 डेसिबल्स ऑफ SNR। ये साउंड बार डॉल्बी डिजिटल और गूगल क्रोम का सपोर्ट के साथ आती है, जिसके बारे में मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। ये साउंड बार सरप्राइजिंगली सिर्फ 13.5 इंचेस वाइड है और 1.76 केजीज वे करती है। और कनेक्टिविटी ऑप्शंस की बात करें तो इस साउंड बार के अंदर आपको HDMI ARC, ऑप्टिकल इनपुट, AUX, ब्लूटूथ 4.0, ईथरनेट पोर्ट और डुअल बैंड वाईफाई मिलता है, और इसके बारे में भी आपको मैं अभी बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इस साउंड बार के प्राइस की। ये साउंड बार 28,000 रुपीस कॉस्ट करती है, एंड आई थिंक कि इस प्राइस में ये एक बहुत ही ज्यादा अच्छी साउंड बार है, और आप यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद दिस साउंड बार। बट इसके अंदर प्रोज एंड कॉन्स की बात करना बहुत जरूरी है। इस साउंड बार की ऑडियो जो है बहुत ही शानदार है, परफेक्टली बैलेंस्ड, एब्सोल्युटली बैलेंस्ड ऑडियो। आपको बिल्कुल भी हाई नोट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लो नोट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको डायलॉग एनहेंसर भी टेक्नोलॉजी मिलती है इसमें, यानी आप रात को अगर कोई मूवी देख रहे हैं जहां पे आपको डायलॉग ज्यादा सुनने हैं और म्यूजिक कम, तो आप डायलॉग्स को इंक्रीज कर सकते हैं एंड यू कैन रियली एंजॉय द ऑडियो। उससे आप बहुत ज्यादा हर तरीके से बैलेंस्ड ऑडियो ले सकते हैं। लेकिन नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्स। इसके जो फीचर्स हैं वो फीचर्स थोड़े से गिमिक ज्यादा हैं, जैसे क्रोमकास्ट, दैट्स अ गिमिक, बिकॉज क्रोमकास्ट कभी आप अपने फोन पे यूट्यूब खोलिए और यूट्यूब को कास्ट करने की इस साउंड बार पे कोशिश करिए, ऑडियो ही नहीं आएगी। आप 15 मिनट ट्राई करते रहेंगे लेकिन देर बी नो ऑडियो, सो लाइक इट्स अ फुल ऑफ बग क्रोमकास्ट। दूसरी बात, इसके अंदर आपको डुअल बैंड वाईफाई मिलता है। जहां मैंने इसको टेस्ट किया था वहां पे मैंने अपने फोन के वाईफाई से, फोन के हॉटस्पॉट से इसे कनेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन इट टुक मी अबाउट 20 मिनट्स टू कनेक्ट वंस, सो वाईफाई इज अगेन अ बग। बट अगर इन दोनों फीचर्स को मैं हटा दूं, विच आर नॉट एग्जैक्टली वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स, तो ये साउंड बार बहुत ही शानदार साउंड करती है। आप इसे लेंगे तो ऑडियो के मुकाबले में और आप कोई साउंड बार नहीं खड़ा कर पाएंगे। ये तो हुई पोल्क मैग्नीफाई मिनी की बात, जो कि 28,000 रुपीस कॉस्ट करती है और बैलेंस्ड ऑडियो देती है, एंड बिलीव मी इट्स लाइक अ फैंटास्टिक साउंड बार। बट अगर आपको हैवी बेस या फिर हैवी बेस का ऑडियो सिग्नेचर पसंद है तो आपको पोल्क मैग्नीफाई मिनी नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज दैट इज मोर ऑफ बैलेंस्ड ऑडियो सिग्नेचर साउंड बार। उस केस में आपको ऑल्टरनेट ऑप्शन लेनी चाहिए, दैट इज JBL डीप बेस 2.1। ये साउंड बार अप्रॉक्सीमेटली 25,000 रुपीज कॉस्ट करती है एंड इट इज अ फैंटास्टिक ऑप्शन, क्योंकि इसका आउटपुट भी अप्रॉक्सीमेटली 300 वॉट्स ही है, और ये एक बहुत शानदार ऑप्शन है इफ यू आर लुकिंग फॉर हैवी बेस फ्रॉम योर साउंड बार। आप, मैंने लिंक दिया है, जरूर चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब हम बात करते हैं अपनी लास्ट प्राइस कैटेगरी, बेस्ट साउंड बार्स 2021 फ्रॉम 30,000 रुपीज
टू 35,000 रुपीज। और इस कैटेगरी के अंदर मेरी तीन टाइप की पसंद है, कोई भी बेस्ट या उससे कम नहीं है। इसके अंदर मैं आपको तीनों के बारे में अलग अलग बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं यामाहा YAS 209 के बारे में, जो कि वन ऑफ द बेस्ट साउंड बार्स है इस प्राइस कैटेगरी के अंदर। इस साउंड बार के अंदर आपको स्पीकर्स, ट्वीटर्स और एक्टिव वायरलेस सबवूफर का कॉम्बिनेशन मिलता है। इस साउंड बार के अंदर आपको 100 वॉट की साउंड बार और 100 वॉट का ही सबवूफर मिलता है, जो कि एक्टिव और वायरलेस है। टोटल आउटपुट इस साउंड बार का बनता है 200। इसमें आपको 2 इंच और 8 ओम्स के कोन स्पीकर्स मिलते हैं, जो कि सारा कमाल करते हैं, और 1 इंच का डोम ट्वीटर मिलता है, जो कि बहुत शानदार हाई नोट्स प्रोड्यूस करता है। 6.5 इंच और 8 ओम्स के सबवूफर के साथ आने वाली इस साउंड बार के अंदर आपको डॉल्बी डिजिटल, DTS डिजिटल सराउंड और 4K पास थ्रू भी मिलेगा एट 60 FPS। ये साउंड बार HDR10 और HLG प्लेबैक भी सपोर्ट करती है, और इस साउंड बार का SNR है 82 decibels। इतने सारे फीचर्स के साथ आने वाली इस साउंड बार की विड्थ है 37 inches और ये वे करती है 2.7 kgs। इस साउंड बार के अंदर आपको HDMI ARC, एक HDMI in, ऑप्टिकल इनपुट, LAN और सिंगल बैंड वाईफाई की सपोर्ट भी मिलेगी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी ऑप्शन के साथ। ये साउंड बार एलेक्सा और स्पॉटिफाई को भी सपोर्ट करती है। क्लियर डायलॉग्स, गुड बैलेंस्ड ऑडियो और क्या कमाल का ऑडियो सिग्नेचर, माय फेवरेट ऑफ यामाहा, बहुत ही शानदार। आप अगर एक प्रीमियम साउंड बार लेना चाहते हैं और आप एक अलग सा ही साउंड सिग्नेचर चाहते हैं, जिसमें आपको हर नोट अलग अलग सुनाई दे और आप डिफ्रेंशिएट कर पाए ऑडियो को, बहुत ही जबरदस्त साउंड बार है ये, और आप इसे लेके कोई भी गलती नहीं करेंगे। दिस विल गिव यू अ डायलॉग एनहेंसर टेक्नोलॉजी ऑल्सो, और आप रात में सुनते समय डायलॉग्स की वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकते हैं और म्यूजिक की वॉल्यूम ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। एंड दैट इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजीज जो आपको प्रीमियम साउंड बार्स में देखने को मिलेगी। बट अगर आप नॉर्मल मूवीज या नॉर्मल म्यूजिक सुनते हैं, उसके अंदर भी दिस साउंड बार इज जस्ट ऑसम। इसकी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 35,000 रुपीज है, और मुझे इस साउंड बार के अंदर सिर्फ 2 कॉन्स लगे। एक, क्योंकि ये 35,000 रुपीज कॉस्ट करती है, आई एक्सपेक्टेड यामाहा इसके अंदर EARC पोर्ट या फिर HDMI 2.1 पोर्ट देगा, लेकिन क्योंकि ये साउंड बार 1-2 साल पुरानी है, इसके अंदर हमें EARC पोर्ट नहीं मिल सकता था। बट दूसरा कॉन, एक थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन है, कि इसके अंदर आपको डिस्प्ले नहीं मिलता। दैट इज रियली डिसअपॉइंटिंग। बट इफ यू कैन लेट गो दीज 2 कॉन्स, तो ये साउंड बार आपको कभी भी ऑडियो के डिपार्टमेंट में डिसअपॉइंट नहीं करेगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जरूर चेक करें। और ये साउंड बार कॉस्ट करती है 35,000 रुपीज के आसपास। अब मैं आपको एक की जगह 2 अल्टरनेट ऑप्शंस दूंगा, क्योंकि ये प्राइस कैटेगरी ऐसी होती है जिसमें हर एक की चॉइस थोड़ी सी अलग अलग होती है। मैं आपको एक ऑप्शन देता हूं जिसमें आपको सराउंड चैनल्स मिलेंगे, एंड दैट इज सैमसंग T670XL। ये एक जबरदस्त साउंड बार है और 32,000 रुपीज कॉस्ट करती है इस समय। इसका प्राइस 2 हफ्ते पहले अप्रॉक्सीमेटली 28,000 से 30,000 के बीच में चल रहा था, लेकिन अचानक से 32,000 हो गया और ये अभी और बढ़ेगा। ये साउंड बार आपको बहुत ही जबरदस्त ऑडियो देगी। इसके साइज पे मत जाइए, स्लीक स्पीकर्स हैं लेकिन बहुत शानदार ऑडियो प्रोड्यूस करते हैं। दे आर नॉट एज यू नो यू कैन से गुड एज यामाहा, बट दे आर वेरी वेरी गुड, बिकॉज सराउंड साउंड आपको सिर्फ सराउंड चैनल्स ही दे सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जरूर चेक करें। अब बात करता हूं अपनी दूसरी अल्टरनेट ऑप्शन के बारे में, जो मेरे हिसाब से यामाहा YAS 209 से थोड़ी सी बेटर है, क्योंकि उसमें आपको ज्यादा कॉम्प्रेस्ड ऑडियो मिलती है और उसका ऑडियो सिग्नेचर बहुत अच्छा है, लेकिन आपको थोड़ा ऑडियो लेवल थोड़ा सा यामाहा से ऊपर मिलेगा। मैं बात कर रहा हूं पोल्क कमांड बार की। That is amazing साउंड बार, उसके भी साइज पे मत जाइएगा, that is amazing। ऑडियो के मामले में that is one of the best साउंड बार्स that I recommend। That will cost you approximately 35,000 रुपीज। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसे जरूर चेक कर सकते हैं। दोस्तों, आप किसी और बजट की साउंड बार देख रहे हैं
तो आपको मेरी रेकमेंडेड साउंड बार्स की 2021 की लिस्ट जरूर देखनी चाहिए जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, उसे चेक करें। 2021 में जो भी साउंड बार को मैं रेकमेंड करता हूं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लिस्ट में मिलेगी। और हाँ दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो ये जरूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। और अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप अर्जेंटली मुझसे पूछना चाहते हैं, आप मुझे अपना क्वेश्चन पोस्ट करिए या तो यहां या फिर इंस्टाग्राम या ट्विटर के डीएम पे, मैं आपका जवाब जल्दी से जल्दी जरूर दूंगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मैं आपको मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। थैंक यू वेरी मच।